वेलकम। हाँ, ये उल्टा कैसे हो गया? ये लाइव चैट, ओए सीधा हो जा। वेलकम जी, कैसे हो तुम सब? सुपर संडे देन जी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है जी। कहाँ हो सबके सब? आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आज तो बहुत सारी बातें करनी है। वो कैप्शन भी मैंने लिख दिया है कि टॉपिक क्या होगा बातों का। ओए आ रहे हो क्या लाइव? जल्दी से आ जाओ यार। तो आ चुके हैं लाइव, और सबसे पहला हाय है इस बार का तुषार सेठी का। हाय तुषार, शायद ये वही तुषार है जिसको मैं मिला हूँ जयपुर में। तो हाय तुषार, हाय ऋषा बंसाली, हाय सैम जैन, हाय विश्वास सेठ, हाय अंकित अगराज, हाय अर्पिता ठाकुर। अर्पिता ठाकुर कह रही मस्त सॉन्ग मोहित। अरे अभी रुको रुको रुको, पहले हाय हाय मतलब वो हाय हेलो कह दो, थोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाए, वही कि अपन सब मिल रहे हैं, अपन सब बात कर रहे हैं, उसके बाद में अपन सारी चीजें बताएंगे, है ना है ना है ना। तो बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। स्वाति झा कह रही है हाय, अश्विनी बोंदे कह रही है हाय, परीक्षित पांड्या कह रहे हैं हाय, हाय सुल्तान अतार, हाय युवराज सिंह राजपुरोहित, हाय सुरभि मित्तल, चेतन प्रजापत, कैसे हो तुम सब? बताओ भी मेरे को, मतलब एक हफ्ते बाद मिल रहे वापस? नहीं, अब तो मैं अभी तो थोड़े दिन से तुम्हें रोज मिल रहा हूँ, मतलब बताओ जरा। बर्थडे के दिन मिला, मिले थे क्या? नहीं, वही तेरी, सॉरी बर्थडे के दिन नहीं मिल पाया, क्योंकि मतलब थोड़ा चीज़ों में थोड़ा सा मैं काम वाम कर रहा था इस वजह से, तो बर्थडे के दिन नहीं मिल पाया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना, अभी आ गया ना तुम्हारा मोहित तुम्हारे साथ में इतनी सारी गुड न्यूज़ लेकर। गुड न्यूज़ क्या 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 गुड न्यूज़? ये कि 24 सितंबर को अपना सॉन्ग तो लॉन्च हो रहा है, गलतफहमियां। उसके अलावा टीजर लॉन्च हो गया है आज, और तुम सबको कैसा लगा यही सब जानने के लिए आज की लाइव चैट में खास स्पेशल वाला टॉपिक है गलत फहमिया। नहीं, हैशटैग गलत फहमिया। वाह वाह वाह। परीक्षित पांडे कह रहे हैं सब आप कैसे हो? मैं एकदम मस्त हूँ परीक्षित। सुरभि मित्तल कह रही हाउ आर यू? मैं एकदम मस्त हूँ। रिया चौधरी कह रही हूँ झक्कास है। हाँ, तुम सब कैसे हो ये बताओ मुझे। अभी धीरे धीरे अपन सारी बातें करेंगे, टीजर के बारे में तुमसे पूछूंगा, गाने के बारे में तुमसे पूछूंगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या थॉट चल रहा है अभी दिमाग में, वो भी पूछूंगा, सब पूछूंगा, और एक एक करके तुमको सब बताना ही पड़ेगा। देखो तुम कुछ कर तो सकते हो नहीं, देखो ना मेरा कुछ कर सकते हो ना तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ। तुम जो पूछोगे मेरे को जवाब देना पड़ेगा, और मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम दोस्ती की है, नहीं रुको, थोड़ा सेंटी अंदाज में, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सेनोरिटा नमें समझा नमें जाना। अरे यार मैं भी कैसा सा हूं ना, रुको पहले बाल बाल बन मेरे को अच्छे से। मेरे को यार लाइव चैट करता हूँ ना, तुम सबने तो पता हो गई कि लाइव चैट कैसी होती है, तो उसमें ना सिर्फ खुद का थोपड़ा दिखता है और नीचे नीचे कमेंट्स दिखते हैं, तो मेरे को चाहिए कि मैं अच्छा दिखूँ जब भी मैं दिखूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो अब जब सब, ये तो राइम हो गया, तो अब जब सब लाइव आ चुके हैं, धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं, तो अब थोड़ी बातों का जो टॉपिक है वो अपन, जो मेन अपना आज टॉपिक है हैशटैग गलत फहमिया, वो टॉपिक पर अपन बातों को लाते हैं। और आपसे पहला सवाल, रुक जाओ, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ पूछता हूँ। आप सबका, जी हाँ आप सब जो भी अभी लाइव चैट देख रहे हैं, आपका पहला सवाल आज के कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति कुछ और नाम रखिएगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा लाइव चैट पति, कौन बनेगा सुपर संडे विद एमजी? शो का नाम रखते हैं सुपर संडे विद एमजी। हाँ चलेगा, तो सुपर संडे विद एमजी में आप सबका स्वागत है। हाँ, और आपका पहला सवाल ये है कि गलत फहमिया का टीजर जो आज आपने देखा, पहले तो ये बताओ देखा कि नहीं देखा, पहला सवाल, क्या आप सबने गलत फहमिया का टीजर देखा है, हाँ या ना? आपके पास कोई लाइफ लाइन्स नहीं है, ना 50-50, ना फोनो फ्रेंड, ना ऑडियंस पोल, कुछ भी नहीं है। आए 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 आए, बस हाँ या ना जवाब दीजिए अभी की अभी। तो आपका पहला सवाल यही है, गलत फहमी का टीजर किस किस ने देखा है और किस किस ने नहीं देखा, यस और नो जवाब दीजिए। इसका कोई प्राइज राइज नहीं मिलने वाला है, पहले बता देता हूँ, बस जवाब देना है। मैं देख रहा हूँ, तो ध्रुव पटेल कह रहे हैं उन्होंने देखा है, क्या बात है। पीयूष शाह कह रहे हैं उन्होंने देखा है, हाँ। राहुल पटेल, हर्ष हर्ष पटेल कह रहे हैं उन्होंने भी देखा है, क्या बात है।
उपासना सेन गुप्ता कह रही है, उन्होंने कुछ अलग जवाब दिया है। हाँ से उन्होंने कहा है ईगरली वेटिंग फॉर गलत फहमी इट वॉज ऑसम, इसका उन्होंने देखा है। हाँ, जवाब के बजाय कुछ और बोला ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। हाँ, उपासना। सोनाक्षी जुल्का कह रही है हाँ, रिया चौधरी कह रही है यस, अरविंद पटेल कह रहे हैं यस देखा है भाई, आयुष तरवाचे कह रहे देखा है, करण गाबा देखा है, त्रिषा रंजन ये कौन है, कहानी में ट्विस्ट यहां पर आता है जब त्रिषा रंजन कहती है कि उन्होंने नहीं देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहले सवाल का आयुष तवारची कहे हाय बोल दो खाली, अरे हाय बोला ना। अर्जुन भारद्वाज हाय अर्जुन कैसे हो, अर्जुन ने कहा उन्होंने देखा है। और इब्राहिम मोहम्मद कह रहे हैं उन्होंने नहीं देखा है। सैयद जिशाम इमाम कह रहे हैं हाय। आयशा मलिक कह रहे गलत फहमिया केबीसी तो गलत फहमिया हैशटैग गलत फहमिया केबीसी वाला। अरबाज शेख कह रहे हैं उन्होंने देखा है। ब्रजेश उपाध्याय ने कहा यस उन्होंने देखा है। राहुल नेगी ने भी कहा है यही बात। तो अभी मेरे को पता चल रहा है धीरे धीरे किस किसने देखा और किस किसने नहीं देखा। नहीं देखने वाले दो ही अभी तक मिले हैं मुझे, देखने वाले मेरे को बहुत प्यारे प्यारे लोग मिल गए हैं। नहीं देखने वाले कोई दिक्कत नहीं, अब देखने का, अब तो पता चल गया ना गलत फहमी का टीजर आउट हो गया है, टीजर निकला है। टीजर होता है जो आपको तरसाता है, टीजर मतलब टीज करना, आपको तरसाना। क्या आप, दूसरा सवाल, क्या आप गलत फहमिया का टीजर देखने के बाद में आपको कैसा लगा? अच्छा, जिसने देखा है अब उसका जवाब वही दे सकता था, जिन्होंने नो कहा है वो अभी की अभी मतलब इस राउंड से आउट हो चुके हैं। अब आप बाकी कंटेस्टेंट को जीतते हुए देखिए। तो अभी दूसरा सवाल ये कि गलत फहमिया का टीजर आप सबको कैसा लगा? तो इस सवाल का सबसे पहले जवाब देखते हैं कौन देता है। मैं जब तक मुंह से बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आयुष तरवारचा ने सबसे पहले जवाब दिया है, वो कह रही है वो कह रहे हैं ऑसम था। आयशा मलिक कह रही है फाड़ था। बिप्लाब दास कह रहे हैं नॉर्मली फील हुआ यार, मजा वजा नहीं आया टीजर देख के, देख साफ साफ बोल रहा हूँ। शिवानी बिंडल कह रही है बहुत ही अच्छा लगा। ब्रजेश उपाध्याय कह रहे हैं मस्त लगा भाई, सुपर देवी ऊपर। प्राक्षी गुप्ता कह रही है बहुत अच्छा था। हर्षित यादव कह रही है मस्त था। सोनाक्षी कह रही है बहुत मस्त, आपकी आवाज में, आपकी आवाज बहुत मस्त है। हर्षित यादव कह रहे हैं बहुत ही सुपर्ब। कृतिका मिश्रा कह रही है दैट वाज सो वंडरफुल। अर्जुन कह रहे हैं बहुत अच्छा। शिवानी शर्मा कह रही है द बेस्ट जस्ट लाइक यू। क्या बात है केयू राणा, केयू राणा कितने दिन बाद तुम लाइव चैट पर दिखे हो। तो केयू राणा कह रहे हैं बहुत मस्त। मधु वर्मा कह रही है नाइस। उस्मान अर्शिद हाशमी कह रहे हैं कूल ब्रो। और अभी कमेंट युवराज सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं एक नंबर लगा। तो चलो मतलब तुम सबने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगर तुम सबने देखा है तो अब लाइव चैट का हमारी तीसरे राउंड का तीसरा क्वेश्चन, जो कि सिर्फ उन्हीं को इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने वाकई में टीजर देखा है। तो ये बताओ टीजर में, अब लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता हूँ, टीजर में जिन जिन्होंने टीजर देखा है सिर्फ वही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, देखते किस किस को याद है। टीजर में जब लड़का लड़की हाथ पकड़ते हैं तो हाथ कौन छुड़वाता है, लड़का या लड़की? सर दो ही ऑप्शन है, ए या बी। हाथ किसने छुड़वाया था, लड़का या लड़की ने? अरे यार कैसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं भी, कोई बात नहीं, क्या करे यार, अब गेम है तो गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है। अब और क्या है, इसका जवाब वही दे पाएगा जिसने वाकई में टीजर देखा है। तो अभी डिफ्रेंशिएट कर लूंगा मैं कि किसने टीजर वाकई में देखा और किसने नहीं देखा, कौन है सच्चा और कौन है फेक, किसने देखा बताओ बताओ बताओ। तो टीजर में हाथ किसने छुड़वाया था, किसने मतलब हाथ यूं फेंक दिया, नहीं पकड़ना तेरा हाथ चाल हट, किसने किया था ये टीजर में बताओ, लड़के ने या लड़की ने? तो जवाब दे रहे हैं अनीशा रेड्डी ने कहा है लड़के ने किया है। शशांक महेश्वरी कह रहे हैं लड़की ने किया है। युवराज सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा किसने क्या कहा, तुम तो अपना जवाब दो। देखो मैं किसी बता दिया कि कौन सा जवाब ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम वही जवाब बोलोगे, है ना स्मार्ट। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तुम सबको, तुम सब बताओ भाई ना, मैं तो नहीं बता रहा तुम सब, मैं देख रहा हूँ, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। मेरे पास अरबाज शेख का कमेंट आ गया है, मेरे पास वृंदा दवी का कमेंट आ गया है, निकिता गुहे का कमेंट आ गया है, सैयद वसीम का कमेंट आ गया है, शालिनी जैन का कमेंट आ गया है,
जानवी भाटिया कमेंट आ चुका है, साक्षी केशरवानी, तनवीन कौर, अचिंत पहावा, राजेश कुकरेजा, अर्पिता ठाकुर। तो जी जिस जिसने भी देखा है ना उसने सही जवाब दिया है, और जिस जिसने नहीं देखा उसने गलत जवाब दिया है, या तो दिया ही नहीं है या फिर अभी टीजर देखने के लिए गए होंगे। और जिस जिसने भी लड़का कहा है ना, मैं आप सबको बता देता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस जिसने भी कहा है कि लड़के ने हाथ छोड़ा है वो सारे के सारे गलत है। हाँ, गलत फहमियां है उनको, क्या बात है, गलत फहमियां है आप सबको जो कह रहे कि लड़के ने हाथ छुड़वाया। नहीं, टीजर देखो ध्यान से, अरे देखो लड़की ने ऐसे हाथ हाथ ऐसे छिड़क दिया, मतलब ऐसे दूर हट मुए ऐसा ऐसा कहकर मेरे को मतलब दूर फेंक दिया, बताओ जरा। और मैं ऐसा रोता रह गया, गलत फहमियां, गलत फहमियां। तो ये तो था थर्ड सवाल जिसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया है, जिनमें से एक है निकिता मूरजानी जिनका लड़की ने छुड़वाया, काव्य सेठी कह रही है लड़की ने छुड़वाया, जानवी भाटिया ने कहा गर्ल ने छुड़वाया। तो बहुत ही अच्छे, जिन जिन ने सही जवाब दिया, जिन जिन ने लड़की कहा है, वो सारे के सारे सही हैं, उन सब के लिए तालियां, क्लैप 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 क्लैप, इमेजिनेशन वाली क्लैप 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 क्लैप, क्योंकि एक हाथ से मैं क्लैप नहीं बजा सकता हूं। तो और जिन जिन ने भी कहा कि है ना लड़को लड़के ने हाथ छुड़ा, उन सबको गलत फहमियां हैं। वाह, गाने का प्रमोशन क्या कर रहा हूं ना मैं, बार बार गलत फहमियां बोल के तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा ऐसे गलत फहमियां जो वर्ड हैं। तो अब फोर्थ सवाल, गलत फहमियां सॉन्ग में लास्ट में कौन सी डेट आती है, क्या डेट आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है रिलीजिंग ऑन डैश, मतलब अभी मैं क्या नहीं बोलूंगा कि वो डैश क्या है, रिलीजिंग ऑन डैश डेट। तो वो डैश डेट क्या अजीब सा नाम है डेट का, डैश डेट क्या है, कौन सी डेट को अपना सॉन्ग गलत फहमिया रिलीज हो रहा है, उस टीजर में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। जिस जिसने भी ये टीजर देखा होगा, जो इस राउंड तक आए, जिन्होंने लास्ट तक टीजर देखा होगा, 26 सेकंड का इतना बड़ा टीजर, 26 सेकंड लाइफ में कितने कीमती होते हैं पता है तुमको, 26 सेकंड का टीजर कैसे देख लिया तुमने बताओ जरा। और जिस जिसने भी देखा है लास्ट तक, 26 सेकंड का टीजर, 26 सेकंड के टीजर के लास्ट के 2 सेकंड में वो आता है कि रिलीजिंग ऑन डैश डेट। अब वो डैश डेट क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किस किस ने सही जवाब दिया है, किस किस ने लास्ट तक वो वीडियो देखा है। ना स्मार्ट, उपासना सेन गुप्ता कह रही है कुछ, अनीशा रेड्डी ने भी कुछ कहा है, तानिया गिरी ने भी कुछ कहा है। अब मैं तुमको बताऊंगा थोड़े क्या डेट कही है, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, कुछ भी हो सकता है, मैं तो तुमको कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरबाज शेख ने कहा है कुछ, आयुष्मान अवस्थी ने कहा है कुछ, करण रॉय ने एक डेट बताई है, केएल राणा भी एक डेट बताई है, राजेश कुकरेजा भी एक डेट बता चुके हैं, मधु वराव ने डेट बता दी है, राजेश कुकराजा ने वापस से वही डेट रिपीट कर दिया, अनु भारद्वाज जी ने एक और डेट बताई है, आहना तिवारी धमी ने कहा है एक कोई सितंबर की डेट है, आयुष्मान अवस्थी भी वही डेट वापस से दोहरा रहे हैं। क्या बात क्या बात, क्या मैं आप सबको कह दूं कि जितने भी लोगों ने अभी तक कमेंट किया है, खुशी की बात कहूं या सैड होकर कहूं, आप सब सही हो यार, मतलब 24 सितंबर, 24th of September। ओ ली मैगी कह रही है आई होप यू मेंशन माय नेम नाउ कपकेक, यस ली मैगी, आप यू ऑलवेज कमेंट ऑन आर पोस्ट एंड, रुको थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, ली मैगी क्या है, ताइवान से हैं और ली मैगी को हिंदी नहीं आती है, इन्होंने एक बार कमेंट में या मैसेज में कहीं ना तो ये कहा था, तो उन्होंने कहा भी था कि इंग्लिश सॉन्ग गा दो, तो अभी ली मैगी के लिए थोड़ा सा अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो ली मैगी, या ली मैगी वी लव यू, एंड यू आर फ्रॉम, ली मैगी इज फ्रॉम ताइवान एंड शी ऑलवेज wants me to sing a English song for him, Lee Maggie, so please wait for 24th of September, I may not be singing in English, but I am, we are, not me, we, you, me, our family, our team, we are going to launch our next song on 24th of September called Galat Fahmiya, so do wait for it and I hope you like it, you love it, yay, kya bola na angrezi maine, थोड़े तो मतलब मैंने पढ़ाई वगैरह की है थोड़ी सी। तो रिया पोदार कह रही है मोहित एक गाना प्लीज कपकेक गा दो, साक्षी है कह रही है आई लव इट सॉन्ग कपकेक, ऋषा वंशाली कह रही है मोहित आई लव यू टू ऋषा, नेहू मलिक कह रही है मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्या बात करी हो नेहू, तुमने तो कितनी बार रिप्लाई किया यार, झूठ मत बोलो। तो अभी खट्टा कह रही है
आई रियली डोंट नो फॉर वॉट 24 सेप्टेम्बर इज, बट सब लिख रहे हैं 24 सेप्टेम्बर. कौन था ये आदमी? अभी खट्टर कह रहे हैं मुझे पता नहीं है कि मतलब 24 सेप्टेम्बर क्या था, बट सब लिख रहे हैं 24 सेप्टेम्बर, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. अरे 24 सेप्टेम्बर को अपना सॉन्ग रिलीज हो रहा है अभी भाई, अभी खट्टर 24 सेप्टेम्बर को गलत फहमिया रिलीज हो रहा है. और इस सॉन्ग को अब मैं, बाकी सब कह रहे हो कि कोई सा सॉन्ग आ दो, कोई सा सॉन्ग आ दो, पर बाकी सब सॉन्ग क्यों गाओ जो अपना सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है गलत फहमिया. बस इतना ही गाऊंगा क्योंकि टीजर में इतना ही गाया था मैंने, थोड़ा सा ही गाया था. बाकी सॉन्ग के लिए तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा ना, रिलीज होगा पूरा सॉन्ग और तुम पूरा सॉन्ग सुन पाओगे, पूरा सॉन्ग देख पाओगे. हम सब ने मेहनत करी है बहुत ज्यादा मेहनत से, तो वो मेहनत तुम देखना, तुम सब देखोगे, अप्रिशिएट करोगे. बुरा लगे तो बुरा बोलना, अच्छा लगे तो अच्छा बोलना, जो तुम्हारे दिल में आए बोलना, पर बोलना जरूर. तो बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. और जे तूने बोल दिया बहुत प्यार से मुझे ये सारी बातें, कि कैसा लगा गलत फहमियाँ, कैसा लगा अपना सॉन्ग, कैसा लगा सब कुछ, तो मैं तुझे एक ही बात कहूँगा मेरे दोस्त, कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, कहते जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कप केक है. तो कह ले कुछ भी, अच्छा या बुरा, भला या प्यारा, तू तो मेरा कप केक रहेगा ही रहेगा. तो तुम सब ना मेरे कप केक तो हुई, अब तुम देखो चाहे ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा काम था तुम्हें बोलना, बताना ये सब गाने के बारे में. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अपना नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है यार, बड़ा अच्छा लगता है. तुम सब सॉन्ग देखते हो, तुम सब अप्रिशिएट करते हो, तुम सब शेयर करते हो, तुम सब सुनते हो, तुम सब कहते हो कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है मोहित, तुम सब वेट करते हो. तो मुझे तब बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं तुम्हारे वेट को मतलब कुछ दे पाता हूँ, या हम सब कुछ भी मिलकर तुम सबको कुछ ऐसा दे पाते जिसको तुम सुन सको, जिसको तुम प्यार कर सको, जिससे तुम मुझे प्यार कर सको. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत प्यार से सॉन्ग बनाया हम सब ने मिलके, संजना जी ने जो प्रोड्यूसर हैं इसकी, डीजे जिन्होंने जो प्रोड्यूसर हैं इसके, और कुणाल वर्मा और रैपर अबालम जिन्होंने इतना अमेजिंग सॉन्ग का म्यूजिक दिया है, इसका म्यूजिक बनाया, इसकी कॉम्पोजिशन बनाई है. और बस पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब ने टीजर को पसंद किया. और देखना यार अभी सॉन्ग 24 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, बताना कैसा लगा. तुम सबके रिव्यूज का वेट करूंगा मैं ना, एक्सपर्ट रिव्यूज तुम्हारे आने चाहिए. अच्छा लगे बुरा लगे जैसा मर्जी चाहे लगे, बताना जरूर कैसा लगा. ठीक है चलो अब तुम सब रेस्ट करो, कल मंडे है, वापस से वही काम वाम, मतलब कॉलेज वॉलेज स्कूल स्कूल वही सब नाटक वाटक, मतलब नाटक वाटक क्या, मतलब वही सब जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो सब करना अच्छे से. और फिर बताना, वेट करना, बहुत सारी चीजें करनी है, सारी चीजें करेंगे, पोस्टर वोस्टर आएंगे, डीपीपी लगाएंगे, कवर फोटो लगाएंगे, सब करेंगे भाई. मेहनत करना है, और गाना बना दिए थोड़ा ना सिर्फ मेहनत होती है, गाने को फिर आगे बढ़ाना भी पड़ता है, सबको सुनाना भी पड़ता है, वो सारी मेहनत करेंगे, मिलके करेंगे. मिलके गाना तो बना ही दिया हमने, अब मिलके बाकी सारे काम कर देंगे. यो तो अब मैं गुड बाय बोलूं, तो अब मैं गुड बाय बोलता हूं, और गुड बाय से पहले आई लव यू बोलता हूं, फिर वापस गुड बाय बोलता हूं, फिर आई लव यू बोलता हूं. और तुम सब एक बार आई लव यू बोल दो जाने से पहले, मेरे को खुशी हो जाएगी, पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है. हाँ निकिता मूरजानी कह रही है इतने जल्दी बाय, हाँ यार जाना तो पड़ेगा ना, अभी बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है. और करिश्मा जैन कह रही कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू सॉन्ग, थैंक यू सो मच. मीना कुमारी कह रही गुड नाइट. मालविका पटेल कह रही है यो, तो गुड नाइट. डार्जिलिंग सौम्या कह रही है मेरी नाम से प्लीज आराधना सौम्या, सो स्वीट. आई लव यू मोहित. मालविका पटेल कह रही है आई लव यू टू. मुकुल वर्मा कह रहे हैं मोहित भैया आईपैड कवर सॉन्ग का क्या? तो मुकुल वर्मा वेट करो, उसी की तैयारियां कर रहा हूं मैं, सब करूंगा. जो जो तुम्हें कहा है ना वो सारी चीजें आने वाली हैं. पलक जो तुम्हें पहले कहा था अपना सॉन्ग जो है वो आने वाला है, उस पर पूरा वर्क चालू है. अपना गलत फहमिया सॉन्ग आने वाला है, आईपैड कवर्स आने वाले हैं, बहुत सारे कवर्स, बहुत सारे ओरिजिनल सब आने वाले हैं. बस तुम्हें वेट करते रहना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा. ठीक है तो तब तक के लिए बाय. Take care and just remember one thing, my sweethearts. I love you and I'll always love you. Okay? Bye.